Start. Dear students, I am Sarfaraz Nawaz. मैं इंग्लिश टीचर हूँ. मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है. मैं जर्मुंड हाई स्कूल में क्लास टू से का टीचर हूँ. तो आज हम ग्रामर सीखेंगे. तो ग्रामर का टॉपिक है टेंस. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टेंस. तो टेंस के बारे में हम जानना होगा. टेंस क्या है, टेंस मीनिंग क्या है. तो टेंस is a English word which has come from Latin word. Tense means time. It has come from Latin word. Tempus. It means tempus means time. Tense, there are three types of tenses. Tense, present tense, past tense and future tense. और सभी tense का चार ही प्रकार है. तो tense हम लिखेंगे तीन प्रकार. Tense, present tense, past tense, number three, future tense. तो इस तीन प्रकार टेंस का चार प्रकार टेंस है. चार भाग से भाग किया जाता है. तो नंबर प्रेजेंट टेंस का नंबर वन है प्रेजेंट इंडिफिनिट. नंबर टू है प्रेजेंट कंटीन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट. नंबर फोर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. तो हम पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. तो प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस वो हैबिचुअली जो होता है, मैं जाता हूँ, खाता हूँ, आई डू, आई ईट, आई प्ले, इस टाइप का जो सेंटेंस होता है ना, इसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में चार प्रकार है. वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है क्या, जब वर्तमान में जो काम होता है इसके बोलते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट. प्रेजेंट इंडिफिनिट डिनोट्स द एक्शन इन प्रेजेंट टाइम और हैबिचुअल टाइम और इटरनल ट्रुथ. हम एक एग्जांपल देते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट का. आई डू, आई प्ले फुटबॉल, I eat rice. तो पहले हमको जानना होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट का फॉर्म क्या है. प्रेजेंट इंडिफिनिट का फॉर्म है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और वर्ब के साथ एस और ईएस. ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट का फॉर्म प्लस क्या ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस वर्ब एस और यस प्लस ऑब्जेक्ट. तो थर्ड पर्सन सब्जेक्ट जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तब एस वर्ब के साथ एस और यस ऐड होगा. तो हम देखें जो प्रेजेंट इंडिफिनिट में एक तीन सेंटेंस देखें. तो फर्स्ट है आई डू. तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते. सेकेंड है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो और एक सेंटेंस लिखते हैं ही कैचेस फिशेस.
यहाँ पर देखिए ही थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए वर्ब के साथ ईएस एंड वर्ब। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में फॉर्म क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब के साथ ईएस बाय ईएस और प्लस सब्जेक्ट। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का फॉर्म क्या है, फर्स्ट जानना होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज यूज्ड व्हेन द एक्शन इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट टाइम। वर्तमान में जो काम हो रहा है उसके बोलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जो फॉर्म है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का फॉर्म हो सब्जेक्ट प्लस वर्ब सब्जेक्ट प्लस ऑन व्हिच। तो इसका फॉर्म है सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वी वर्ब। वी वर्ब क्या है, थ्री देयर थ्री टाइप्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ वी वर्ब पास्ट टेंस में एंड प्रेजेंट टेंस में। तो पास्ट प्रेजेंट में है एम इज आर एम इज आर प्लस वर्ब सर आई एन जी। एक बार प्रेजेंट कंटीन्यूअस का फॉर्म, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में सब्जेक्ट होगा उसके साथ ऐड होगा एम इज आर कोई भी एक सब प्लस वर्ब प्लस आई एन जी। तो हम एक एग्जांपल देते हैं, ही इज रीडिंग रीडिंग ए बुक। They are playing football. तो देखिए ये subject is है और third person singular इसलिए is at work। उसके भाव के साथ भाव ing और object हो। तो subject का जो form है object जो भी add कर सकते हैं। तो यही main structure है, main structure है जो subject plus have or has plus v3 plus object subject I have eaten rice। ये देखिए subject I है, I third person singular हो भी सकते हो, but I as a first person इसलिए have at work और verb का थी third number eat get eaten at work sir object। एक और एग्जांपल है यू सेकंड पर्सन, यू के पास हमेशा आईडी हैव एड होते हैं। तो हम देखेंगे जो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट है फॉर सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस v3 प्लस सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट है ओ हैव एड वन v3। तो प्रेजेंट परफेक्ट भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो हम लास्ट में है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। Perfect continuous is the tense in which the action began in a certain point of time, but the action is still going on. पहले से शुरू हुआ था, अभी चल रहा है। इसलिए present indefinite इसके present perfect बोलते हैं। present perfect के form में present perfect के form में subject plus have been or has been
प्लस वर्ब सर आईएनजी। तो देखते हैं एक नंबर आई हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours। और एग्जाम देते हैं ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। ये देखिए जो थर्ड पार्ट सब्जेक्ट थर्ड पार्ट सिंगुलर हुआ इसलिए हैज बीन एट वर्क और सर फर्स्ट पर्सन इसलिए हैव एट वर्क। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के फॉर्म में सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस हैज बीन प्लस वी आईएनजी। तो ये एग्जांपल है। तो प्रेजेंट टेंस का वो जो चार प्रकार टेंस है तो वो भी डिस्कस कर लिया हमने। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस भी वर्ब। हम पास्ट टेंस में के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पास्ट टेंस भी फर्स्ट टेंस भी चार प्रकार है पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो पास्ट बोलते हैं पास्ट मींस क्या पास्ट अतीत जो हो गया है उसके पास्ट पास्ट टेंस बोलते हैं। तो पास्ट टेंस में जो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट बारे में। पास्ट इंडेफिनिट इज अ सेंटेंस दैट ऑकर्ड इन द पास्ट that happened in the past completed in the past। तो past indefinite का जो form है past indefinite का form है तो past indefinite का जो form है subject plus v2। सब past indefinite का form है subject plus v2। तो subject हम लिखना होगा उसके बाद subject का form का second form लिखना होगा। तो subject तो I it का सेकेंड फॉर्म में एट आई एट राइस ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं हम। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस सब्जेक्ट और एक एग्जांपल लिखते हूं ही प्लेड फुटबॉल। तो यहां देखिए सब्जेक्ट ही भारत का सेकेंड पार्ट में प्लेट और ऑब्जेक्शन। तो पास्ट इंडेफिनिट इज अ टेंस इन विच द एक्शन हैपेंड इन द पास्ट जो हो गया उसको बोलते हैं पास्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट तो हम जान चुके हैं। तो सेकेंड जो पास्ट टेंस है जो सेकेंड पार्ट है सेकेंड भाग है पास्ट कंटीन्यूअस उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पास्ट कंटीन्यूअस परफेक्ट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्लिक वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो एक एग्जांपल लेते हैं ही वाज प्लेइंग फुटबॉल। वो फुटबॉल खेल रहा था लगा। तो ये देखिए सब्जेक्ट की थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए वाज एट वर्क उसके साथ भार प्ले आईएनजी। तो और एक एग्जांपल लेते हैं आई वाज ईटिंग राइस। तो देखिए यहां मैं दो एग्जांपल लिखा है वी हैव रीड आई हैव रिटन टू एग्जांपल्स फर्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए वाज एट वर्क सेकंड है फर्स्ट पर्सन इसलिए वाज एट वर्क थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर इसलिए। तो प्रे पास्ट कंटीन्यूअस का भी हम जान चुके हैं। तो पास्ट परफेक्ट के बारे में अब डिस्कस करेंगे।
तो पास्ट परफेक्ट के एक फॉर्म है तो भी हम लिखते हैं। तो पास्ट परफेक्ट का जो फॉर्म है वो हम बोर्ड में लिखते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भीत्री, वर्ब का थर्ड फॉर्म को बोलते हैं भीत्री, और पास्ट भीत्री और मींस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। तो हम एक एग्जांपल लिखते हैं, तो ही हैड प्लेड, और एक एग्जांपल लेते हैं, दे हैड डन द वर्क। तो यह देखिए सब्जेक्ट ही है और हैड भी ऐड हुआ और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो फर्स्ट परफेक्ट का फॉर्म सेम है। तो हम फर्स्ट परफेक्ट में जा चुके हैं, तो इस लास्ट में जो फर्स्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फर्स्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होते हैं जो हम आगे जो सुन रहे हैं अभी चल रहा है इसके बोलते हैं फर्स्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो फर्स्ट परफेक्ट के फॉर्म में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस ब्रीथ प्लस आईएनजी, तो वर्ब के साथ हैड बीन और के साथ हैड प्लस आईएनजी हैड वर्ब। तो इट हैड बीन रेनिंग फॉर 3 डेज, वो लॉन्ग टाइम से हो रहा है इसलिए इसके बोलते हैं फर्स्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो हम प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में डिस्कस कर चुके हैं, तो लास्ट एक टेंस से वो फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस मतलब जो होगा फ्यूचर में, जो काज होगा भविष्य में, जो फ्यूचर इज भविष्य, तो फ्यूचर में वो चार फॉर्म है, तो फ्यूचर के बारे में आप डिस्कस करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट इज अ टेंस इन व्हिच द एक्शन विल हैपन इन फ्यूचर, जो भविष्य में होगा उसके बोलते हैं इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ही विल प्ले, दे विल arrange the meeting, तो future indefinite form में subject plus will plus help plus verb। तो देखिए यार subject form third person singular इसलिए will याद होगा, इसके verb first form। तो future continuous की में एक फॉर्म है, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस का जो फॉर्म है तो लिखता हूं, फ्यूचर कंडीशन फ्रॉम सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक है शैल प्लस बी प्लस वर्ब ऑफ आईएनजी।
तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस इज टेंस इज यूज्ड व्हेन इट इज थॉट टू बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर. फ्यूचर में जो होगा उसके बारे में बोलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जो फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस डॉट सो आरजी. तो एक एग्जांपल लेते हैं. ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म. तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम जाएंगे और दो प्रोग्राम बाकी है. तो एक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म है फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव प्लस वी थ्री. तो एक एग्जांपल देखते हैं हम. आई शैल हैव बीटन हिम. फ्यूचर परफेक्ट का एग्जांपल. और एक लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस. करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बढ़े. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एक फॉर्म है तो सब्जेक्ट प्लस शैल हैव विल हैव प्लस बी प्लस वर्ब सब आईज. तो ये सब्जेक्ट का फॉर्म. तो एग्जाम लेते हैं कि तो ये हो फीचर इंडिया परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्म. तो मेनली हम तीन प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडिफिनिट कंटिन्यूअस और परफेक्ट. एक्चुअली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ज्यादा यूज नहीं होता इसलिए हम फ्यूचर इंडिफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे. तो हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं. जब टेंस क्या है टेंस मीन्स काल और समय. तो टेंस तीन प्रकार है प्रेजेंट टेंस फर्स्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. तो सभी टेंस का चार प्रकार है. सभी टेंस चार प्रकार है. तो प्रेजेंट टेंस का चार प्रकार है फर्स्ट टेंस का भी है और फ्यूचर टेंस का भी है. तो सभी टेंस का चार प्रकार है. तो क्या है इंडिफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस. तो हम फॉर्म के साथ एग्जाम्पल भी वर्कआउट किए हैं. तो नेक्स्ट क्लास में हम टेस्ट में टेंस रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम वॉइस डिस्कस करेंगे.